संस्कृति मम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोहा की इतनी अच्छी रेसिपी बनाएंगे कि आप उसे एक साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक कप हमने पोहा लिया है। पोहा को हम दो तीन बार साफ पानी से अच्छे से पहले धो लेंगे। हमने पोहा को साफ पानी से दो तीन बार अच्छे से धो लिया था और 5 मिनट हमने पोहा को ऐसे ही छोड़ दिया था। हमारा पोहा अच्छे से फूल चुका है और इसका जो पानी था, पानी भी हमने छन्नी से डाल के सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे। अभी हमने एक कप मैदा ली है, पूरी मैदा नहीं डालनी है, आधी मैदा को डालना है। और थोड़ी सी हमने बारीक कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और थोड़ा सा नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं और हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि आपको मैदा की जरूरत पड़े तो जो हमने आधी मैदा बचाई है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। मैदा से हमारे पोहा में अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है। यदि आप बेसन डालना चाहते हो तो इसमें बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच मैदा और डाल देंगे। हमारे पोहा में बाइंडिंग अच्छे से आ चुकी है, इसमें बहुत ज्यादा मैदा नहीं पड़ती है। अच्छे से मैदा को हम मिक्स कर देंगे। जैसा आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से आपको पोहे का आटा लगा करके तैयार कर लेना है। हाथ में हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तेल लगा के इसको हम चिकना करके आटा को रख देंगे। हमने सारी लोइयां तोड़कर रख ली हैं। अब हमने एक मशीन ले ली है। इस मशीन से हम बहुत ही अच्छे पोहा के कुरकुरा बनाएंगे। 2 हमने छन्नी ले ली है। यदि आप इस छन्नी से बनाना चाहते हो तो इस छन्नी से भी बना सकते हैं। यदि आप इस छन्नी से बनाना चाहते हो तो इस छन्नी से भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम इस छन्नी से बनाएंगे। छन्नी को हम मशीन में डाल देंगे और जो हमने पोहा की लोई बनाई है एक बार में हमारी मशीन में जितनी आ जाए उतनी ही हम इसमें डाल देंगे। एक बार में हमारी मशीन में जितना पोहे का आटा आ गया है उतना ही हमने भर दिया है और ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे। एक हमने पन्नी ले ली है। इस पन्नी में हम इस तरीके से मशीन को घुमाते जाएंगे। बहुत ही अच्छे, देखो इस तरीके से लंबे लंबे आपके कुरकुरे बनते जाएंगे। देखो जो हमने एक बार आटा भरा था उसका हमने कुरकुरा बना करके तैयार कर लिया है और जो हमारा बाकी का आटा बचा है इसको हम छन्नी से इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको हमें फेंकना नहीं है। जो हमारी बाकी का आटा है उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे और छन्नी को अच्छे से हम साफ करके दोबारा से मशीन में डाल लेंगे। और जो हमारा बाकी की लोई बची थी उसका भी हम इसी तरीके से कुरकुरा बना करके तैयार कर सकते हैं। यदि आपकी पन्नी कुरकुरे से भर गई हो तो आप किसी भी बर्तन में भी इसी तरीके से बना करके सूखने के लिए रख सकते हैं। एक पन्नी कुरकुरा हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको पंखा की हवा में सुखाएंगे। यदि आप धूप में सुखाना चाहते हो तो धूप में भी सुखा सकते हैं, नहीं तो पंखे की हवा में बहुत ही आराम से एक दिन में सूख करके तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें दूसरी छन्नी लगाएंगे। दूसरी छन्नी से कुरकुरा बनाएंगे। उसी तरीके से हम छन्नी लगा के इसमें भी आटा भर लेंगे जो हमने पोहे का आटा बनाया था। देखो उसी तरीके से हम दूसरी छन्नी से भी कुरकुरा बना करके तैयार कर लेंगे। उसमें बहुत ज्यादा पतले आते हैं और इसमें थोड़ी मोटे मोटे आएंगे। इन कुरकुरा को आप सुखा करके एक साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तुरंत ही आप इनको तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, चाय के साथ खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखो हम सारे कुरकुरा इसी तरीके से अपने बना करके रख लेंगे। यदि आप इनको धूप में सुखाना चाहते हैं तो धूप में भी सुखा सकते हैं, नहीं तो ये पंखे की हवा में भी बहुत ही आसान तरीके से सूखकर तैयार हो जाते हैं। देखो हमने सारे कुरकुरा बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम इनको सुखा लेंगे।
जब ये आपके सूख जाएं तो आप इनको तेल में फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यदि आपको चाय के साथ खाना है तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो अपने बच्चों के टिफिन के लिए भी फ्राई करके रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।